বিয়া করলে পরে কেসন বউ কর ব্যাগ টাঙ্গে এলা দেখি লেবা লাইফ পুরো ভাই ওরে জলতে মকে সচে এলা বিয়া করব না নিতে এটা মজা পুরা লাগে খতরনাক মজা লাগে আর বিয়া করব আগু বছর তো বহুত কইলে আনবি হব दादा हमरे एखन समुद्र नहाय धोए एखन कि माने फ्रेश लियो नहाय धोए एखन एखन हमरे फिलहाल जाय रे चिल्का झील ओ दादा एखन टेम्पो माने जाय रे बस ता काय कि टाइम हम लेट निकले 4:30 बजे बस रही है लेकिन हम बाकी के यार तब ऑटो माने जाय वाला एक्स्ट्रा चार्ज हम लगेले एखन किना करबे दिल्ली तरह जहाँ भी घूर जाबन चेन्नई की बीएनआर होटल कर पासिन लेक बस पुआते तो तरह चिल्का झील जाबन लिंगराज मंदिर कोणार्क मंदिर नंदकानन पार्क या भी जितना भी घूरे जगह है तो उमाले बस पाए जाबन तो हमरे एखन बस चापी गेल फिलहाल तो दादा हमरे एखन एसी बस माने चापले आइयो तो एखन भरले नखि गाड़ी टी ओ चलते एखन खुलाल नखि है बस एखन भरले नखि तो इडली नाश्ता करे आइयो एखन इडली खाबो तो दादारा इडली आर बड़ा सोक्तान खा दिले आइयो हेचा लेग बस माने फिर चापले आइयो रा एखन बस एखन भरती तबे ने जापे गरम तो गरम लागिले एसी टाउन चलाई से साला है एसी बस कोई कौन हवा टालू बाराती होले बस टिकट पैसेंजर नियला से ही ने एक टी आई माचिस का डब्बा इतना बड़ा की बस एक ही छोटे बस एक ही मिनी बस एक ही यहाँ भी एसी चले ही ना तो जाइए होला कौन तो दादा ना हमारे तीनों की क्लास में देखे संगे पढ़ ले ये मैट्रिक तक लेकिन देखी ला एक बार एकड़ लोग दाढ़ी पाधान लेके ये और मोर एकदम दाढ़ी पाके लग दे उतना फर्क है यो जखन मैट्रिक मैंने पढ़े थे एक ही लेके लेकिन एखन मैं लगे कि मैं कतना दिन बुढ़ा को ये जुआ नहीं से जितना भी तरह धीरे धीरे देखिए लगे सब पानी है कि चिल्का झील कर पानी है कि बोले सब खेत है कि तो हमारे ही जैसा कि धान लगाइए तो ओकरे में मछली पालन करवाते हैं सब इंचला मछली सब बल्बे सिंह पुआते हैं झींगा मछली एक कुटिया बोले मांस भरा है हिंदे के बाद बहुत छोटे रहते तो दादा एक हमारे फिलहाल चिल्का झील पहुँच गए यहाँ लग बोटिंग बुक करे रहते और बोट मैंने 3-4 घंटा में रखे घुरा तक और पर हेड मैंने 350 टका लेते ही नहीं ऐसे पर्सनल बुक करे के लिए 4000-4500 टका लगते हैं एक बोट पर तो रा हमारे संगे आलेर से गले कर किनारा है मंजूरी रहती देखी वाला और इधर फिर आवाज़ आते ही जाते ही तो दादा रा यह ट्राई के चिल्का झील देखे पारिया बहुत बढ़िया 100 किलोमीटर का दायरा माने है ये तो यह बोट गिला बुक करे रहते 4000-4500 टका लेते ने 3-4 घंटा घुराते ही ने पूरा झील माने जहाँ जहाँ एकदम लेते पता नहीं कहाँ कहाँ लेते ने तो देखे पर यह बोट माने जाए पूरी सेफ्टी जितना गिरा सब चीज है दुनिया भर का यहाँ बोट कर बुकिंग करे चलते अलग ही तो दादा एक खन जाइए बोटिंग करे चलते एक नाव एक बुक कर लियो हेटा है कि लाइफ जैकेट ये जीव बचा जैकेट ऐसे हमारे भाषा कहल कहल गए तो दादारा सब लोग चढ़े लगले आते देखे पा रही है इतना अच्छा है ना तो साली का भी इतना भी अच्छा है भाई साहब कर दीजिए तो बहुत बेसी यहां लोग देखे पा रही है वोटिंग करके करते आले आते बहुत बेसी भीड़ है इतना बेसी टका कमात लानो ओहो टूरिस्ट माने डमर भाई के ओहो हो रे बापो दादा हमरे कन फिलहाल ना माने बोटी के लागे देखे पा रही है रोड देला तो पॉइंट अगर दिखाई ला नहीं एकदम झलके लगले ही पॉइंट एकदम এখন ড্রাইভার গেলে এখন মোটর স্টার্ট করে চলতে দেখতে পারি এখন স্টার্ট করতে তারপর এখন আমার নাও এখন যাতি একদম মাছে ডলফিন দেখায় আর কিনা কিনা খা খড়া হয়েছিল মাছে কিনা কিনা দেখায় লাগতে নেই পতা নেই 3 ঘন্টা ঘুরাতে একদম পানি পানি মানে আমরা 350 টাকা পয়সা লাগে তো তাদের আমার গাড়ি স্টার্ট হয়ে গেল দেখতে পারি ড্রাইভার বাকি আমরা আইয়া ইয়া 14 লোক পুরা ইয়া মানে আরো কি উন্দে নাও গিলি যাই সেই উন্দে চলি যাই তো এখন আমরা মাছে দেখে যাই আপনা যা কি চিলকা জিল বলে বেশি খারাপ পানি কা জিল কইতা মজা লাগে না কি ফার্স্ট টাইম মই বহুত মানে উপর করে না করলে কইলা ইচ্ছা মা কোন নি করতে তো দেখে পারি বাঁধ কর পানি নিয়ে রাই লেকিন গহরা এতে ইয়া জরুরি আছে বাত গহরা নিয়ে
बढ़िया पानी है पानी। और हम ड्राइवर आए पिछू माने आराम से राय नहीं रोक दे दादा राय देखा सीप लिख घोंघा लिख डिबारा लिख असली मोती देखे पा रही है नीचे भैया हो गया होगा देखे ना हमको दादा राय देखे पा रही है पानी दुई कलर आई इस साइड बटे के झीलका झील कर पानी हुंदे के समुद्र कर पानी हुंदे के बेसी का बोल है इंदे के कम है कि हरा हरा है। तो देखिए परिये पानी कर भीतर ही घड़ना घड़ ले शायद मछुआरा गिले शायद जाल टनत गिले या फिर बेसी कम पानी हेते उलाए शायद या फिर बेसी हेती सही चलते शायद गाड़ले हेता डॉल्फिन मछली देखे ले लेकिन डॉल्फिन तो नहीं देखा ला एक्चुअली जब भी आई है तो ठंडा मास से आई है जब जाड़ लगे से कि नहीं गरम लगे तो वह सीजन यदि आवे हैं तो डॉल्फिन देखे पावान तो दादा एखन नाव लेके नाभले आइयो बगल टाइम आई समुद्र बगल टाइम आई तुम्हें जाइ होला यहाँ कल पूरा ढेव मारे साउंड टाइम अल तोरे देखा भी होते। तो दादा देखे पारिया झील के बीच माने छोटा मोटा टापू निया रही आ यहाँ गोटाई गाछे गाछ है गोटाई देखे पारिया किना गाछ कि मोर नाम तो जानो नहीं गला तो किना कोई देबो। तो दादारा एक चीज आगू टाइम तोरे देखा समुद्र कहीं हिं का बहुत बेसी साउंड आईला लहर तो मोके लगे बहुत बेसी हेवी हेती लहर हिं का कहीं हिं लग सन नींद हाथ मोके लगे जहाँ तो तोरे के देखा ना जस्ट टू वेट करा इंतजार कर घड़ी खत्म आर देखे पारिया हिं का समुद्र अह लेकिन एक्चुअली ये समुद्र ने लग सन नहात नहीं कहे कि हिं का बेसी डाउन है कड़ा एक्चुअली हिं टूरिस्ट यहाँ बस घूरे लाए देखे लाए चलते जाते हैं नहाए चलते हैं यहाँ देखे पर नहाया एक लोग ने खुद कहे कि यहाँ बस लोग देखे चलते जाते हैं बाकी नज़ारा दादारा एक नंबर है मजा आ जाता नहीं ओहो लेकिन देखिए बहुत डाउन मानी है ओसम यो यो मजा पूरा लगे है खतरनाक मजा लगे है बिया करब आगू बछर तो बहुत चले लेन भी अब बिया करल परे केसन बहु कर बैग टांगे इला देखि लेवा लाइफ गुरु भाई बड़े जलते मके सोचे है इला बिया करब ना नीचे इधर इधर देखो इधर तो दादा बोटिंग करी कन हमरा आ गेले ये देखे परिया एदा जाइला सीधा एकदम ए जे या जीव बचा के जैकेट तक जाकर जमा करना है सीधा जाना है खाई पी कन बस माने सीधा एकदम रूम जाना है तापर साँझ वाले फिर बीच जाए बीच मैंने पूरा नहा पे तो दादा एन चिल्का झील एन जाइल हमारे पूरी नारियल नारियल तो दादा गोटा दिन घूरल पड़े एखन गानी हमने आहार लियल देखे पारिया 70 टका प्लेट है कही दाल है रोटी है दुईटा फिर आलू भुजिया आलू पोटल खीरा पापड़ देली है आर एकदम पोर्सन देता है तो सख्ता खाए देना है 70 टका उसूल कोई देना है कम से कम खाप नहीं बाथरूम आवे बड़ी टेंशन नहीं कहीं तो एकदम शुरू करी गला